लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं EU कॉमर्स स्कॉलर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैनेजमेंट का वो है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट का काम सबसे पहला ये बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, जो भी एम है, जो भी मिशन है, जो भी विजन है, उसे अचीव करना। तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को इस हिसाब से परफॉर्म करते हैं, अपने फंक्शंस कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं उसको वो इस हिसाब से परफॉर्म करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मैनेजमेंट ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट किया कि एक महीने के अंदर 1000 यूनिट्स कार प्रोड्यूस करनी है। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब मैनेजमेंट का काम क्या रहेगा? मैनेजमेंट अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज इस हिसाब से परफॉर्म करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का ये जो गोल है, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। इफेक्टिवली मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, 30 डेज के अंदर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लें। और दूसरा एफिशिएंसी का मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विथ मिनिमम वेस्टेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये पहला हमारा पॉइंट था जिसमें हमने बात किया अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट अपना फंक्शन इस हिसाब से परफॉर्म करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। डायनेमिक डिसिप्लिन बाद में बात करेंगे। इट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। देखिए, एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी काम को परफॉर्म करना। ह्यूमन बीइंग्स कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इट इज एन एक्टिविटी। आप वीडियो देख करके पढ़ाई कर रहे हो, इट इज एन एक्टिविटी। आप कोई भी काम करते हो, इट इज एन एक्टिविटी। आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सारी की सारी चीजें एक्टिविटी होती हैं। तो मैनेजमेंट को एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहा जाता है। रीजन इसके पीछे क्या है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई एक काम करना इज एन एक्टिविटी, लेकिन मैनेजमेंट को डिस्टिंक्ट एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं। मैनेजमेंट में हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, डायरेक्टिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस वे में मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है वो बहुत डायनेमिक है, ये टाइम के हिसाब से चेंज होती है। इसमें रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं ज़माने के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए इसको डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कंसिडर किया गया है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था मैनेजमेंट के लिए? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो क्या? इट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। कीवर्ड याद रखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। उनकी वर्ड्स को लिख करके आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। तीसरा जो है, इट्स अ ग्रुप एफर्ट। देखिए, मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। आइसोलेशन का मतलब क्या है? अकेले नहीं होता। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में होता है। वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, मतलब माय मैनेजर मैं काम करेगा और मेरा जूनियर भी काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर मैं सुपीरियर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं काम करूंगा और मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपको काम सिखाऊंगा, मैं आपके काम को सुपरवाइज करूंगा, मैं आपके काम को गाइड करूंगा। ठीक है, और मैं काम को सही तरीके से करने के नए नए तरीके बताऊंगा। मैं कैसे तरीके बताऊंगा? क्योंकि मैं अपना काम आपको डेलीगेट कर दूंगा। जो मेरा रोज का काम है वो मैं आपको दे दूंगा आप, और क्योंकि मेरा काम है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करना है। और मेरा काम जब आप कर रहे हो तो मेरे पास बच गए कुछ फ्री टाइम, तो मैं अपने फ्री टाइम में क्या करूंगा? प्लानिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। ठीक, ये सारा का सारा इसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल चीजें। ठीक, जो मुझे फ्री टाइम मिलेगा उसमें मैं कुछ नई नई चीज़ें डेवलप करने के बारे में प्लान करूंगा। और मैंने अपना काम क्योंकि आपको दिया है, जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा था, उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा? गाइड करूंगा। ठीक, यहाँ पे ज़रूरी एक और चीज़ है, वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल काम करते हैं ना, सबका इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ टास्क होता है, जॉब होता है। आप ग्रुप में जब आप काम कर रहे हो तो सबके पास एक एक रोल है, तो आपको अपना रोल सही तरीके से परफॉर्म करना ज़रूरी है। आप बात समझ रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप एफर्ट्स में। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स to a group of people involved in managerial activities. The management functions cannot be performed in isolation. Each individual perform his her role at his her status and department इस हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एक्जीक्यूटेड। ठीक, ये हो गया तीसरा जहां पे हमने बात किया ग्रुप एफर्ट का। चौथा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है इंटैंजिबल, मैनेजमेंट इंटैंजिबल। मैनेजमेंट इंटैंजिबल क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट का प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं, या अगर कहीं कोई चीज प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड नहीं है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। मैनेजमेंट का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो वो एक हिसाब से दिखाई नहीं देता, ठीक है, एंड वी कैनॉट टच इट, लेकिन यस उनका प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। कहीं पे भी मिसमैनेजमेंट है तो क्योस हो जाता है, डिसऑर्डरलीनेस आ जाता है, वो बड़ी आसानी से दिख जाता है, यार ये देखो ये क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंटैंजिबल नेचर का है, हम बस महसूस कर सकते हैं मिसमैनेजमेंट। चीज़ें प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं, मैनेज्ड हैं तो वो भी समझ में आता है, नहीं है तो वो भी समझ में आता है। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इट इज़ इंटैंजिबल इन नेचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन्वेंट्री मतलब आप समझ रहे हैं ना, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स जो होता है उसका स्टॉक डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है और वो सेल नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब मिसमैनेजमेंट है। चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो देख के ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, येस यू कैन डू इट, क्यों नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट का मतलब मैनेजर के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कहा जाता है, उनके सबऑर्डिनेट कहा जाता है, और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। तो मैनेजर्स सारा काम तो खुद से करते नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देते हैं, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर, ठीक, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजंस। तो बीइंग अ मैनेजर मैंने अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ट्रांसफर कर दी, अब कुछ काम मैं कर रहा हूँ, कुछ काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं ना वो सारा काम खुद से नहीं करते, वो दूसरों से काम करवाते हैं। दे इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन सच अ वे दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको इस हिसाब से मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाता है। वन मोर टाइम, इफेक्टिवली मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंटली का मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये होता है मोटिवेशन। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से पहले प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने किसी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग की है तो वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और वेस्टेज बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा जहाँ पे हमने बात किया इन्फ्लुएंस बिहेवियर। हमारा छठा पॉइंट है, जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है, वो है कॉम्पोजिट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कॉम्पोजिट प्रोसेस है। कैसे मैनेजमेंट कॉम्पोजिट प्रोसेस कैसे? देखिए मैनेजमेंट में क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है, ये मेजर 5 फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप मुझे एक बात बताइए कि प्लानिंग किए बिना क्या आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो? क्या ऑर्गेनाइजिंग किए बिना आप स्टाफिंग कर सकते हैं? क्या स्टाफिंग किए बिना डायरेक्टिंग कर सकते हैं? क्या डायरेक्टिंग किए बिना कंट्रोलिंग कर सकते हैं? लैपटॉप नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्या किसी भी एक फंक्शन को स्किप कर सकते हैं, मतलब प्लानिंग के बाद डायरेक्ट हम ऑर्गेनाइजिंग छोड़ करके स्टाफिंग कर लें? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो मैनेजमेंट को इसीलिए कॉम्पोजिट प्रोसेस कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है या सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बेसिकली कहा जाता है जहाँ पे एक स्टेप के बाद दूसरा करना जरूरी है, आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ कॉम्पोजिट प्रोसेस। और इसमें क्या बोला गया है, और ये जितने भी फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी है। क्या है? इंटरडिपेंडेंसी। इन सारे फंक्शंस का एक दूसरे के ऊपर, प्लानिंग किसके ऊपर, नहीं सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट? प्लानिंग। और स्टाफिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्टाफ्स के ऊपर, ठीक। कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, समझ रहे हैं आप? तो ये था हमारा 6th पॉइंट जहाँ पे हमने बात किया इट्स अ कॉम्पोजिट प्रोसेस। 7th पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन फोर्स। कोऑर्डिनेशन फोर्स का मतलब समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम करते हैं वो अलग अलग जेंडर के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, भाषा अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, क्वालिफिकेशन अलग होता है, बहुत कुछ अलग होता है। मेनली हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन क्यों करते हैं? हर इंसान, आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? आपको जॉब करना है। जॉब क्यों करना है? क्योंकि ढेर सारे पैसे कमाने हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का जो मेन मकसद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। अब ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। क्या है इंडिविजुअल इंटरेस्ट? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या होगा कि मैं ऐसे काम करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकूँ। तो कोऑर्डिनेशन फोर्स में क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल जो एक इंसान है उसका ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, सिंक्रनाइज करना कि भैया तुम इस हिसाब से काम करो, तुमको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा और इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं। तो जो हमारा 7th पॉइंट था वो क्या था? कोऑर्डिनेशन फोर्स, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, अलग अलग मकसद से काम कर रहे हैं, जिनका जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो इस हिसाब से है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कोऑर्डिनेशन फोर्स के थ्रू, वो इस हिसाब से काम करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमा लो और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए। आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ सिंक्रनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, आपका भी गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, दैट इज वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट, जैसे पहले बताया कि मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स होता है और मैनेजर सारा काम खुद से नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं अपने काम को डेलीगेट करते हैं। ठीक है ना, वो अपना सारा काम दूसरों को देते हैं ना खुद से करते हैं, याद रखिएगा, ना वो सारा काम खुद से करेंगे ना सारा काम डेलीगेट करेंगे, वो थोड़ा सा काम डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट मतलब ट्रांसफर, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हैं और वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि आप इस काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, आपको एक्चुअली चीज़ें सिखाते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने एक छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया था 10 साल पहले, एक छोटी सी बच्ची थी, उसको मैंने पेंसिल से पकड़ के लिखना सिखाया था। फ्रॉम देयर आई हैव स्टार्टेड माई टीचिंग। ठीक है, करते करते पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया, सेकंड को पढ़ाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12th। ठीक, 12th के बाद मुझे ग्रेजुएशन पढ़ाने को मिल गया। मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाया यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाया यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैंने MBA पढ़ाया, MCOM पढ़ाया। पॉसिबल कैसे हुआ? ये सीखने और सिखाने से। मुझे जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी, जो कन्फ्यूजन होता था, बहुत डर लगता था कि इतना बड़ा क्राउड है यूनिवर्सिटी का, मैं कैसे वो 200 बच्चों के सामने जाऊंगा पढ़ाने। ये हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंस, ये जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करता है तभी आप सीखते हो। मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, उसके बाद मैं सीख पाया और उनको पढ़ा पाया। ठीक, तो मैनेजर्स अपना काम क्या करते हैं? आपको डेलीगेट करते हैं। मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी भी आपको डेलीगेट करते हैं और आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप उसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कीजिए, और कहीं कोई कमी आती है तो वो भी बताते हैं कि बेटा इसको इस हिसाब से कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। वो कमी नहीं निकालते, लेकिन वो किस वे में बोलते हैं, उसको पॉजिटिव वे में बोलते हैं कि बेटा अगर आप इस काम को, वो ये नहीं कभी कहेंगे कि बेटा ये तुमने गलत किया, वो ये बोलेंगे कि बेटा अगर आप इस काम को ऐसे कर लीजिएगा तो ये और अच्छा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। आप बात समझ रहे हैं, किसी को हमने कोई कमी नहीं निकाली, लेकिन उनको हमने बता भी दिया कि इस काम को आप इस वे में कीजिएगा। तो दिस इज मैनेजर्स, वो अच्छे मैनेजर होते हैं जो आपको इस हिसाब से ट्रेन करते हैं। तो ये हमारा 8th पॉइंट था जहाँ पे हमने बात किया वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। अगला है पॉइंट नंबर 9, दैट इज बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब जहाँ पे इफेक्टिवनेस है वहाँ एफिशिएंसी नहीं है, जहाँ एफिशिएंसी है वहाँ इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, अगर किसी काम को आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर करने की पूरी कोशिश करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। ठीक, और अगर आप किसी काम को बड़े आराम से करेंगे जहाँ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है तो रिसोर्सेज तो बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो जहाँ इफेक्टिवनेस है, टाइम पे काम कंप्लीट करना है, वहाँ एफिशिएंसी नहीं है, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। और जहाँ रिसोर्सेज की आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है और कोशिश कर रहे हैं कि रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, वहाँ पे टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होगा। तो मैनेजमेंट पूरी कोशिश क्या करता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को साथ में लेकर के चलता है, दोनों को मेंटेन करता है, बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। 10th इज डायनेमिक डिसिप्लिन। डायनेमिक मतलब देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे हेनरी फ्योल द्वारा और F.W. टेलर द्वारा, उन्होंने तकरीबन 100 साल 150 साल पहले ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे। और उन्होंने तभी ये बात बोल दी थी कि टाइम के हिसाब से जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएंगे, जब चीज़ें बदली होंगी, तब आप इस प्रिंसिपल को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, उसको टाइम के हिसाब से आप इसे अमेंड कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इसे चेंज कर दीजिएगा। तो डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एनवायरमेंट। टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से जो चीज़ें चेंज हो रही है, दैट इज डायनेमिक डिसिप्लिन। मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है क्योंकि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स चेंज हो रहे हैं। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स पे आज भी स्टडीज हो रही है, रिसर्चेज हो रहे हैं, प्रिंसिपल को डेवलप चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आप बात समझ रहे हैं। और क्या बोला गया है? इट्स अ डायनेमिक डिसिप्लिन, यही सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज, थियरीज एंड प्रिंसिपल्स विच आर, हाँ। और एक और चीज़, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी तो बहुत डायनामिक है। डायनामिक का मतलब बता दिया, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एनवायरमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बहुत डायनामिक है, ये भी टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। तो जब चेंज हो रहे हैं तो कल जब चेंज का समझो। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 10। 11th पॉइंट इज कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, दैट इज वर्क, जो कोर एक्टिविटी है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है? उस काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा आपका स्कूल है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा क्या था? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल को ऐसे समझिएगा कि दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक, एक ये। अब आप सारी चीज़ें बराबर कर सकते हो, इनको लैंड बराबर दे दो, इनको लैंड बराबर दे दो, इनको पैसे बराबर दे दो, इनको भी पैसे बराबर दे दो, दोनों को सब बराबर दे दो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज आप बराबर नहीं कर सकते। नंबर बराबर कर दोगे, इनको भी 1000 एम्प्लॉयज, इनको भी 1000 एम्प्लॉयज, लेकिन इनके पास जो इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी है, जो एक्सपीरियंस है, वो इन्हीं के पास है, इनको इनके पास नहीं है। आप सब कुछ दुनिया में बराबर कर सकते हो, लेकिन एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, ये बराबर कभी नहीं कर सकते हो, ये बंटवारे में कभी बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप मेरे से किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मुझे नहीं पता, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका लैंग्वेज कल्चर क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप किसी ना किसी चीज़ में तो मुझसे बहुत अच्छे होंगे। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपसे किसी ना किसी एक चीज़ में मैं बहुत अच्छा होऊंगा, तो हम कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, की चीज़ें बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात आती है कि जो लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना, उनको ट्रेन कराना है, उनको प्रमोट करना है, उनको कॉम्पिटेंट सैलरी देनी है, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या था? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? अब ऑपरेशन का मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, या ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ट्रांसफॉर्म किया, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसे भेज दिया मार्केट में बेचने के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो रोज का ये वाला जो काम है ना, पहले हमने क्या बात किया था? ऑपरेशन ऑफ वर्क, वर्क में सारा काम। अब ये ऑपरेशन का मतलब ये जो फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, सेमी प्रोड्यूस गुड्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, इन सबको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, मैनेज करना एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 11। अब इन्होंने इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई किया। इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग होता है। दूसरा इन्होंने बोला मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ स्टाफिंग और डायरेक्टिंग होती है। तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जहाँ प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज होता है, ठीक है। अब लास्ट है मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब क्या होता है? विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सिर्फ मैनेजर्स नहीं करते, हर इंसान करता है, अपने लेवल पे करता है, ठीक है। वर्कर्स भी अपने लेवल पे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे चीज़ें मैनेज करते हो, मैं भी अपने लेवल पे चीज़ें मैनेज करता हूँ। तो ये जो मैनेजमेंट होता है वो हर लेवल पे होता है, और जहाँ पे मैनेजमेंट है वहाँ पे मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली। ये पूरी दुनिया में, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और क्या होता है, और गुरुद्वारा और मंदिर और मस्जिद और हर जगह पे ये चीज़ें एप्लीकेबल है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हर चीज़ का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस, नॉन बिजनेस, इवन अ हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, हाउस हैज़ टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। हर एक चीज़ को पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है, इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि जो 12 कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हमने बात किया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट उम्मीद है कि ना हो, कोशिश की थी। अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। टाटा बाय बाय।